अपने बेटे आर्यन खान को लेकर बड़े ही मुसीबत में फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि आर्यन इस वक्त जेल में ज़रूर है, लेकिन पूरा बॉलीवुड इस वक्त शाहरुख के सपोर्ट में है। इन सब के बीच देखा जाए तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान के लिए रणवीर सिंह का ये बयान एक बहुत बड़ी ताकत भी माना जा सकता है। वेल दरअसल रणवीर ने शाहरुख खान को हमेशा आइडियलाइज किया है। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को हमेशा उन्होंने आइडियलाइज किया है, साथ में अक्षय कुमार को भी आइडियलाइज किया है, ये रणवीर सिंह ने कहा है। रिसेंटली उन्होंने एक टैलेंटेड शो के होस्ट को लेकर कहा, आइकॉनिक मेनस्ट्रीम हिंदी फिल्म हीरोज लाइक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय हैव ऑलवेज कनेक्टेड विद कैप्टिवेटेड द नेशन थ्रू देयर टेलीविजन शोज। आई हैव आइडलाइज्ड देम सिंस चाइल्डहुड, क्लोजली फॉलोड देयर जर्नी। रणवीर ने सलमान खान भी का भी नाम इस मामले में लिया, जो अपने आप में एक तारीफ की बात तो है। वैसे तो रणवीर ने कहा, मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जिस तरह का प्यार, जिस तरह की टेलीविज़न स्क्रीन पर प्यार लोगों को मिलता है, ये कहीं नहीं मिल सकता है, बिग पिक्चर्स पर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं लेगेसी को हिंदी सिनेमा के जो स्टार्स हैं, द मेन स्ट्रीम मेन ऑफ हिंदी सिनेमा को नेशनल टेलीविज़न के तौर पर सामने ला सकूँ। और रणवीर सिंह ने कबीर खान की फिल्म 83 को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी जाहिर की है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।